कोरोना वायरस की वजह से भारत में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते बंद किए गए स्कूल और कॉलेजों को दोबारा खोलने की कवायद शुरू हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे लेकर विचार और फैसलों का दौर जारी है। जहां राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की जा रही है, वहीं दिल्ली में भी स्कूल दोबारा खोलने को लेकर देश की राजधानी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेरेंट्स, टीचर्स और छात्रों से सुझाव मांगे हैं। इन सबके बीच अब सिक्किम में भी सभी स्कूल और कॉलेज खोले जाना तय हो गया है। सिक्किम के शिक्षा मंत्री केएन लेप्चा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य में 15 जून से सभी स्कूल और कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। कोरोना के चलते ही देश भर के स्कूल और कॉलेज करीब 2 महीने से बंद हैं। सिक्किम के शिक्षा मंत्री लेप्चा ने बताया कि हम राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 15 जून से दोबारा खोलेंगे। फिलहाल हम 9वीं से 12वीं क्लास शुरू करेंगे, जबकि नर्सरी से 8वीं क्लास तक अभी पढ़ाई शुरू नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए स्कूल में मॉर्निंग असेंबली का आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों को कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया था। शिक्षा मंत्री ने साथ ही बताया कि स्कूल दोबारा खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सिक्किम में फिलहाल कोविड-19 काबू में है। हालांकि अगर देश भर की बात करें तो शुक्रवार को भारत में कोविड-19 के रिकॉर्ड 6,088 मामले सामने आए थे। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या करीब 2,25,000 हो गई है। इनमें से 41% मामलों में लोग ठीक हो चुके हैं। जिब्रान जरार खान के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।